अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम बीए मैथ 223 पेपर ए चैप्टर नंबर 3 इसकी रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है वो हम कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन आपको जो है वो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी डिवाइड बाय डीएक्स इनटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स। हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, आपने बल्कि इसी डेरिवेटिव को सेपरेटली दोनों के साथ अलहदा अलहदा अप्लाई कर देना है। तो देखें, हम लिखते होते थे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, फिर अप्लाई कर रहे होते थे। यहाँ पर ऑलरेडी डेरिवेटिव का सिंबल लग चुका, डेरिवेटिव अप्लाई हो चुका हुआ है, बस हमने इंप्लीमेंट करवाना है। आपने दोनों पे सेपरेटली जैसे डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स पे अलहदा से डेरिवेटिव लगाना है, प्लस के बाद डेरिवेटिव आपने अलहदा से कोज इनवर्स एक्स के ऊपर भी अप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके साथ ही ये दोनों के फॉर्मूलाज ही लिखूंगा मैं नीचे, इसके अलहदा फॉर्मूलाज लिखने की जरूरत नहीं है। तो है ये बेसिकली मेन ही है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, कोज इनवर्स का क्या डेरिवेटिव है। सुनिएगा, साइन इनवर्स एंगल का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट, ठीक है जी, और 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, साथ ही इसके एंगल जो कि एक्स है उसका डेरिवेटिव भी लेना है। एक रूल हो गया, प्लस करते हुए अब कोज इनवर्स का डेरिवेटिव भी देख ले, कोई फर्क नहीं है। इसका डेरिवेटिव है माइनस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस सेम साइन की कॉपी है, बस नेगेटिव का साइन लगेगा, साथ ही इसके एंगल का भी आपने डेरिवेटिव ले लेना है। दोनों के फॉर्मूलाज यहां पर लिखे हुए हैं, याद रख लीजिएगा, इसलिए आप क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे। यहां पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव 1 हो गया। सही है, और ये मैं थोड़ा सा स्क्वायर क्लियर कर देता हूं, ये के बाद ये आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस हो गया, और ये भी आपका आ जाएगा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव भी हो गया 1। अब अगर आप चाहें तो पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि एट द एंड इन्होंने आपस में कैंसिल हो जाना है। एक स्टेप में देख लेते हैं, स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में है, दूसरा 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव में है। ये वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं बचेगी, जीरो बचेगा। इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, जीरो। जैसे मर्जी डिजिट में लिखें, जैसे मर्जी। क्वेश्चन 10 कह रहा हूं मैं, 6 जो है इसका आंसर जो है वो जीरो ही है, मैं ये वाला जीरो रहने देता हूँ, जीरो ठीक है। ठीक है, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो जीरो आ गया है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा, दो फॉर्मूला यूज हुए, साइन इनवर्स और कोज इनवर्स। अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो जो क्वेश्चंस करवाए हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। इसके साथ ही जो जो मैं साथ साथ फॉर्मूलाज बताता रहा हूँ वो आपने एक साइड पर लिख लेने हैं, कोशिश करूंगा इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा इस पे भी। जो जो फॉर्मूलाज आपके इन चैप्टर के लिए जरूरी है वो फॉर्मूलाज आपने अच्छी तरह से समझ लेने हैं, याद कर लेने हैं, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली जो है वो उसको सॉल्व कर सकें। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।